हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं शकील और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेलर बुड़ी में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, बात करें आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास जो है हाफ शटल मशीन है, इसमें दिक्कत ये हो रही है जब भी हम मशीन चला रहे हैं तो कपड़ा हमारा आगे जाने के बजाय वापस रिवर्स आ रहा है। देखिए, इस तरफ वापस रिवर्स आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मशीन है उल्टी चलने लग गई है। तो दोस्तों, आपको आपकी भी मशीन अगर इस तरह से करती है तो आपको घबराना नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है अंत तक बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आपको एक बार सिलाई कर ही दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने चार नंबर पर सिलाई रखी है, एक बार सिलाई कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी इस मशीन में जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है। अब आप देखिए, देखिए मैं सेंटर में रखता हूँ कपड़े को। अब ये कपड़ा जो है आगे जाने के बजाय, ये देखिए इस तरफ जाने के बजाय ये कपड़ा जो है हमारा इस तरफ रिवर्स आएगा। आप देखिए, ये मशीन में यही प्रॉब्लम हो रही है। मैं सिलाई करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है। अब आप देख सकते हैं, देखिए कपड़ा जो है हमारा वापस आने लगा है। तो अब हम सिलाई किस तरह से करेंगे? तो इसी तरह से अगर आपके साथ भी समस्या होती है तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको इस वीडियो को देखना है। मैं इसका इस समस्या का समाधान भी इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, मैं मशीन जो है बिल्कुल सीधी चला रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल हमारी मशीन सीधी है, लेकिन यहाँ पर आप कपड़ा देखिए गौर से, ये उल्टा हमारा यानी कि रिवर्स आ रहा है कपड़ा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ पर सुई चल रही है, ये देखिए कपड़ा हमारा रिवर्स आ रहा है, लेकिन हमारी जो सिलाई है, सिलाई भी साथ ही साथ लगती जा रही है। ये देखिए, मैं आपको करीब से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा हमारा कपड़ा रिवर्स आ रहा था, सिलाई भी हमारी देखिए लगने लगी है। देखिए, रिवर्स सिलाई हमारी लगने लगी है। थोड़ा सा धागा हमारा ख़राब आ रहा है, लेकिन सिलाई हमारी लग रही है और कपड़ा रिवर्स आ रहा है। तो देखिए, इसको अब किस तरह से अब ठीक करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए और एक बार सिलाई कर दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है सिलाई को फुल कर दूँगा, पाँच नंबर पर रख दूँगा। ये देखिए, पाँच नंबर पर मैंने इसको सेट कर दिया है। अब आप देखेंगे, मैं आपको सिलाई कर दिखा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल मैं सीधी मशीन जो है सीधी चला रहा हूँ, लेकिन जो कपड़ा हमारा जो है रिवर्स आ रहा है, यानी कि उल्टा हमारा कपड़ा वापस आ रहा है। अब आप देखिए, देखिए ये हमारा आगे नहीं जा रहा है, लेकिन रिवर्स आ रहा है कपड़ा। ये आप यहाँ पर गौर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा जो है कैसे वापस आ रहा है रिवर्स, और साथ ही साथ हमारी सिलाई भी यहाँ पर लग रही है। तो मैं एक बार आपको कपड़ा यहाँ से निकाल कर करीब से दिखा देता हूँ, सिलाई भी हमारी किस तरह से लग रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पाँच नंबर पर मैंने लगाया था, सिलाई हमारी लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा कपड़ा जो है आगे नहीं जा रहा है, वापस रिवर्स आ रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं आप दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से ठीक करना है। बस ये देखिए, आपको जो है मशीन को सबसे पहले देखिए उल्टा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको हम मशीन को उल्टा कर लेंगे। अब इस तरह से उल्टा करने के बाद हमें इस प्लेट को ऊपर सरका देना है। इसके लिए हम इस ऊपर वाले इस पेंच को खोलेंगे, इससे हमारा जो प्लेट है ऊपर सरक जाएगा। देखिए, इस तरह से हमें खोल लेना है इस पेंच को, इसके बाद ही हम आगे का काम कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से बस हमको थोड़ा सा लूज़ करना है, उसके बाद इस प्लेट को देखिए इस तरह से ऊपर हमें सरका देना है। अब आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो है, यहाँ पर मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मशीन के पुर्जे दिख रहे होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से नज़र आए, समझ में आ जाए। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर जो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, जहाँ पर मेरी उंगली लग रही है, ये जो आप लिंक देख सकते हैं, आप ये मैं घुमा रहा हूँ, तो देखिए आपको इसको जो है किस पोजीशन में रखना है और क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन हमारी देखिए, अभी ये जो है नीचे सरक रहा है, ये अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे आ रहा है। अभी देखिए ये ऊपर आ रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। हमें इसको जो है ऊपर की पोजीशन में रखना है। देखिए, ऊपर कर लेना है इसको, पूरा ऊपर कर लेना है, जहाँ तक ये देखिए ये ऊपर हो गया इस तरह से। बस इस तरह से हमें रख कर, देखिए इस पोजीशन में रखकर हमें एक इसके बाजू साइड में एक नट होता है, उसको हमें थोड़ा सा टाइट कर देना है। बस वो नट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस यहाँ पर आप मेरी उंगली की तरफ देखिए,
इसके साइड में ही एक नट होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उस नट को हमें बस थोड़ा सा लूज़ करके किस पोजीशन में रखकर उसको टाइट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको व्हील को घुमा देना है। ये देखिए इस तरह से व्हील को घुमा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको छोटा सा एक नट दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर इस वाले नट को हमें थोड़ा सा लूज़ कर देना है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। अब इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इस तरह से हम लूज़ करेंगे। आपको नट दिखाई दे रहा है बराबर से, आप नट की तरफ देखिए ध्यान से। अभी नट को जो है हमें इसी पोजीशन में रखना है, नट ऊपर की तरफ हमारा जो है इसी तरह पोजीशन में रहेगा। और जो ये लिंक है हमारा, ये देखिए लिंक को हमें इस तरह से, जैसे पहले मैंने बताया था आपको, इस तरह से लिंक को जो ऊपर की इस तरह से पोजीशन में रख देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से रख कर, बस इसी तरह से रख कर आपको जो है देखिए नट की पोजीशन आप देख सकते हैं एकदम सीधी लाइन में इस तरह से आना चाहिए। ये लिंक का है और ये जो नट है एक तरफ, ये देखिए इस तरह से सीधी लाइन में आना चाहिए। और इस तरह से रखकर आपको जो है इसकी सेटिंग कर लेनी है और नट को टाइट कर देना है। बस आपका यहाँ तक ये आपको इतना कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको टाइट कर सिलाई कर भी दिखा देता हूँ। उससे पहले हम इस नट को अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ये दोबारा से हमें इस तरह की कोई दिक्कत ना दे। देखिए हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। अब इस प्लेट को भी हम लगा देंगे। अभी देखिए हम मशीन को खड़ी कर मैं आपको सिलाई कर भी दिखा देता हूँ। हम देखेंगे कि सिलाई हमारी अब ठीक आती है या नहीं आती है। सबसे पहले हम इसको मशीन को सीधा कर लेंगे। अब ये धागा निकल चुका है, इसको धागा भी हम इसके ऊपर लगा कर रख देंगे। अब हम सिलाई भी आपको सामने मैं करके दिखाऊँगा। ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह से मैंने मशीन को सीधा रख दिया है। अब जो कपड़ा जो मैंने लिया था उसी कपड़े पर मैं आपको सिलाई कर दिखा देता हूँ, वो भी आपके सामने। तो आप देखिए हमारी सिलाई मशीन बनती है या नहीं बनती। देखिए कपड़ा वही है, उसी की साइड में मैं सेंटर में रख देता हूँ इस तरह से। अब मैं आपको सिलाई कर दिखाऊँगा। ये देखिए मैंने सिलाई जो है शुरू कर दी है। अभी आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा है। ये देखिए जो हमारी जो दिक्कत हमारी मशीन में आ रही थी वो बिल्कुल भी सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपकी सिलाई मशीन में भी अगर कोई और तरह की दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, एक बार हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर हर तरह की मशीन रिपेयरिंग के बारे में आपको बताया गया है और आपको अच्छे से समझाया गया है कि उसको किस तरह से आपको ठीक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई बिल्कुल भी अच्छी बढ़िया आ रही है। ये देखिए हमारा कपड़ा भी आगे जा रहा है और सिलाई भी हमारी एकदम बढ़िया आ रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।